कैसे हैं आप लोग। एक और बार आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो जैसा कि आप लोगों ने पहले देखा कि मैं कोल्हापुर रेलवे स्टेशन पे आ चुकी हूँ, तो जिन लोगों ने भी इसके पहले का ब्लॉग नहीं देखा है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप लोग पार्ट बाय पार्ट देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि हमने कहाँ से और कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट की। अब बस हम यहाँ से ट्रेन में बैठेंगे और फिर उसके बाद सीधा जाएंगे तिरुपति। हम लोग आ चुके हैं ट्रेन में और ट्रेन में हमें हमारी बर्थ भी मिल गई है। ट्रेन का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब कोल्हापुर से चल के इसका लास्ट स्टॉपेज तिरुपति है। तो हम लोग यहाँ पे बैठ गए हैं और ट्रेन अपने टाइम से 40 मिनट्स पहले यहाँ पे लग गई है और हम ट्रेन में बहुत जल्दी आके बैठ गए हैं। ये जो कोच है ये बहुत पुराना कोच लग रहा है मुझे, और हमारी सीट नंबर है ये 1 और मैं बैठी हूँ 4 पे। तो यहाँ पर हम निकल चुके हैं कोल्हापुर से तिरुपति के लिए। हमारी ट्रेन चल पड़ी है, अब बस जा कर के हम तिरुपति में ही डायरेक्ट मिलेंगे आपसे, क्योंकि रास्ते में हमें दो फैमिली मिल गई थी। वो दोनों फैमिली कोल्हापुर की थी और वो लोग बहुत अच्छे लोग थे। तो उनसे मिलने के बाद फिर हम लोग बातें बातें करते रहे, हम भूल ही गए कि हमें ब्लॉग भी करना है, तो मैं बहुत सारी चीज़ें कवर भी नहीं कर पाई। और फिर सुबह से हम लोग रिकॉर्ड भी कर रहे थे तो हमारे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी। तो फिर रास्ते का हमने बहुत ज़्यादा कवर नहीं किया। ये बहुत सुंदर है, कोल्हापुर से जस्ट निकलने के बाद ही ये रास्ता था। और ये देखिए, लगभग 20 घंटे की जर्नी तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं फाइनली तिरुपति रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। तो स्टेशन से बाहर आने के बाद व्यू कुछ ऐसा था। यहाँ पे आपको सारी बसेस वगैरह मिल जाती हैं जो ऊपर तिरुमाला के लिए जाती हैं, और यहाँ बाहर निकलते ही आपको सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जाएंगी। आपको होटल वगैरह जो भी चाहिए, खाने का पीने का सब कुछ आपको मिल जाएगा ईजीली। और यहाँ देखिए ये तिरुपति की कलरफुल स्ट्रीट्स कितनी कलरफुल हैं, कितनी सुंदर लग रही हैं ये। यहाँ पर हम निकल गए थे अपने होटल के लिए, तो होटल हमने जो है वो बिल्कुल स्टेशन के पास में लिया था। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं आ चुकी हूँ तिरुपति में, हमने रूम भी ले लिया है और फ्रेशन अप भी हो चुके हैं, और अब हम जा रहे हैं तिरुपति से तिरुमाला की तरफ। मैंने पहनी है ये रेड कलर की साड़ी, क्योंकि वहां मंदिर में है ड्रेस कोड कि आपको साड़ी या दुपट्टे वाला सूट पहन के आना चाहिए, और मेरी है एनिवर्सरी तो मैंने कहा चलो साड़ी ही पहन चलते हैं, क्योंकि साड़ी बहुत कम पहनने का मौका मिलता है मुझे। तो फिर चलिए फिर चलते हैं। तो यहाँ से मिलने वाली थी हमको बस, ये हमारे होटल के जस्ट सामने था। एक साइड इसके होटल था और दूसरी साइड था रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे जो बस हमें मिली TTD वाली बस थी, ये सामने जो खड़ी हुई है, और ये पर पर्सन उसने हमें 75 रुपीज़ चार्ज किया था। और ये और यहाँ पे गाड़ियाँ भी मिल जाती हैं, अगर आप 4-व्हीलर 2-व्हीलर कुछ भी चलाना जानते हैं तो आप वहाँ पे गाड़ियाँ भी ले सकते हैं या अपनी पर्सनल कैब भी ले सकते हैं, लेकिन हमने बस से जाना सही समझा तो हम लोग बस से ही गए। हम लोग आ चुके हैं और बस में बैठ चुके हैं तिरुपति से तिरुमाला के लिए। अभी हमारे साथ साथ चलिए हमारे इस छोटे से सफर में। तो लास्ट टाइम जब मैं आई थी तब मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ में आई थी, मतलब मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई बहन और बाकी के बहुत सारे लोग आए हुए थे हम लोग। तो उस टाइम हम लोग पैदल चल करके गए थे तिरुपति से तिरुमाला दर्शन करने के लिए, और वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। अभी हमारे पास टाइम नहीं था इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम जल्दी जल्दी जाएंगे बस से और जल्दी ही आ जाएंगे, क्योंकि अगर टाइम होता तो मैं बेशक पैदल चल के जाती। और ये है चेक पोस्ट यहाँ पे सबका सामान वगैरह चेक होता है कि आगे ऊपर आप क्या ले जा रहे हो क्या नहीं ले जा रहे हो। तो यहाँ पे हमारी सबकी चेकिंग हुई थी और उसके बाद ही हमें आगे जाने दिया गया था। और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं तिरुमाला में। तो तिरुमाला पहुँचने में हमें तिरुपति से पूरा 1 घंटा लगा था, क्योंकि पूरा घाट वाला रोड है, इतना ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस तो कम ही है लेकिन घाट वाले रोड होने की वजह से थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, बस बहुत धीमे धीमे चलती है। तो फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच गए। तो हम जो है इस समय पहुँच चुके हैं तिरुमाला में, बस से हम लोग आ गए थे इधर तिरुमाला में दर्शन के लिए, लेकिन अभी हमारा दर्शन क्योंकि शाम को 6 बजे का है तो सबसे पहले हम जो है प्रसादम ग्रहण करेंगे यहाँ का। कहते हैं यहाँ का प्रसादम बहुत ही स्वादिष्ट होता है। हम लोग जा रहे हैं अन्न प्रसादम के लिए, जल्दी जल्दी जाएंगे, जल्दी जल्दी खाएंगे, कड़ाके लड्डू लेंगे और वो भी खाएंगे, फिर दर्शन करेंगे, क्योंकि हमारे दर्शन है शाम को 6 बजे के, तो आसपास के दर्शन करेंगे फिर बाकी के काम। यहाँ पे थी प्रसाद के लिए बहुत ही लंबी लाइन, तो ये लाइन 10-15 मिनट में हम लोग लाइन में ही घूमते रहे, और उसके बाद फिर हम फाइनली पहुँच गए अंदर प्रसाद पाने के लिए।
तो ये केले के पत्ते पे हैं। यहाँ पे खाना सर्व किया गया था जिसमें था चटनी, पायसम और चने की दाल की सब्जी। उसके बाद बस राइस सांबर एक बार आया था, फिर राइस रसम और उसके बाद फिर कर्ड राइस आए थे। खाना खाने के बाद हम लोग यहाँ बाहर आ गए थे और मुझे पीनी थी चाय। तो यहाँ बहुत सारी शॉप्स थी, मतलब मेडिकल वगैरह की भी थी, खाने पीने की भी थी, कुछ तस्वीर वगैरह भी मिल रही थी, अच्छा खासा मार्केट था, यहाँ सारी चीज़ें मिल रही थी। तो मैंने यहाँ पे आकर पी चाय। और उसके बाद जो तिरुपति के साइट सीन थे, तिरुमाला में 6 साइट सीन्स हैं, तो हम लोग वो देखने के लिए निकल गए थे। यही रीज़न था कि हमने शाम के दर्शन रखे थे ताकि हम पूरा दिन आराम से घूम सकें और हम किसी भी चीज़ के लिए लेट ना हो। हमारे पास पूरा दिन था क्योंकि दर्शन करने का, तो हम फिर फ्री थे। हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे साइट सीनिंग करने के लिए। यहाँ पे 6 टेम्पल्स और हैं जो हम देखने जा रहे हैं, और अभी बच चुके हैं दोपहर के 2, तो भैया बता रहे हैं कि 2-3 घंटे हम लोग वहाँ से फ्री हो जाएंगे, फिर उस आके दर्शन करेंगे हम लोग, क्योंकि हमारे 6 बजे का दर्शन है। तो यहाँ से हमारा साइट सीनिंग का सफ़र शुरू हो चुका है। और यहाँ पे हमने एक जो गाड़ी की थी वो शेयरिंग में की थी, एक बेंगलोर की फैमिली थी और हम दोनों थे, तो हम लोगों ने सोचा कि ऑलरेडी हम अकेले आए हुए हैं तो इस बहाने हमें एक ग्रुप भी मिल जाएगा। ग्रुप में घूमने का एक अलग ही मज़ा होता है और फिर हमारी उनके साथ बॉन्डिंग भी अच्छी हो गई थी जाते जाते। और ये देखिए यहाँ पर कितनी तेज़ बारिश हो रही थी, इस सीज़न की पहली बारिश हमें तिरुपति में ही मिली। और हम लोग जब यहाँ से देख के गए थे तो हमें पता था कि वहाँ बारिश होने वाली है अच्छी खासी, और इसके चक्कर में हमें अच्छा खासा समय लग गया था, लेकिन हमारे सारे जो दर्शन थे वो कंप्लीट हो गए थे क्योंकि 6 बजे फिर हमारी दूसरी जगह के भी दर्शन थे और ये हमें बहुत रीजनेबल पड़ा, 200 पर पर्सन ही हमें पड़ा। तो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। तो अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट करके बताइए। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।